नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एनआरजे फाइनेंस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, इनकी एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, और साथ में कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स की चार्ट एनालिसिस यहाँ पे शेयर की जाएगी। तो वीडियो को देख, बहुत ही कम समय में हमें कंप्लीट करना है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स में मुझे सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के लेवल से। तो निफ्टी की बात करें तो कल से ही एक बुलिशनेस दिख रही थी, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है। आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दिया था, निफ्टी माइट ब्रेक द ऑल टाइम हाई, और आज टूटा। आज निफ्टी ने जो हाई एक बनाया है वो बनाया है 12,182 का, और क्लोजिंग इसकी 12,167 के आसपास में है। तो कल का लेवल भी अगर दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं निफ्टी एक पॉजिटिव मूव में ही रहेगा, ठीक है। अगर सपोर्ट की हम लोग बात करेंगे तो सपोर्ट के बेसिस पे 12,080 का जो सपोर्ट है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। तो उसके लेवल्स चलिए देख लेते हैं एक बार। ऊपर की बात करें, पहले रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस में देखिए ऑलमोस्ट 12,180 का एक रेजिस्टेंस बना है, जो कि इसकी क्लोजिंग हुई है। इसके ऊपर अगर कल ट्रेड करता है निफ्टी तो इसके जो लेवल्स जाएंगे वो नो डाउट, बिकॉज चार्ट पे इसका डेटा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं से एक डेटा जो है ओआई चैन के बेसिस पे डेवलप करेंगे। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे 12,200 के लेवल पे 12.8 लाख का टोटल ओआई है, उसमें 2.1 लाख का ओआई अनवाइंड हुआ है, ठीक। और अगर हम लोग ऊपर की बात करते हैं थोड़ा और, तो 11.6 लाख का टोटल ओआई बना हुआ है 12,300 के लेवल पे। चलिए पुट साइड में देख लेते हैं, पुट साइड में इसका जस्ट हाफ, उसमें भी ऑलमोस्ट 5 लाख का ओआई, टोटल ओआई आज डेवलप हुआ है। पुट राइटिंग और थोड़ा नीचे चल के देखते हैं तो 12,150 एंड देन 12,100, इन पे अगर आप देखोगे 27 लाख का और देन 11 लाख का ऑलमोस्ट आपका ओआई डेवलप हुआ है। फ्रेश ओआई की बात करेंगे 12,100 के लेवल पे ऑलमोस्ट 17.5 लाख का ओआई डेवलप हुआ है, यानी पुट राइटिंग हुई है। तो ये जो 12,100 का लेवल है ये बहुत ही एक तरह से स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। तो हम लोग यहाँ से अपना डेटा अपडेट कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। देखिए 12,030 का जो पहले लेवल था वो तो अभी मुश्किल रहेगा, कल मुझे नहीं लगता कल निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती, बट अगेन दिस इज मार्केट, वी कैन नॉट से एनीथिंग। और इसी के साथ में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज की एक्सपेक्टेशन जरूर है जीएसटी से रिलेटेड, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो फर्स्ट हमारा जो सपोर्ट रहेगा 12,080 का रहेगा, उससे भी पहले क्या करेंगे, आज का देखिए जो चार्ट है बैंक निफ्टी में, इसको हम लोग आवरली बेसिस पे कन्वर्ट करते हैं। पहले आवरली बेसिस पे कन्वर्ट करने के बाद आप ये देखिए, ये एक सपोर्ट यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 12,140 के आसपास में, 142-135 आई गेस, लेट्स मिनिमम ऑफ दिस, या 12,135 के आसपास में एक सपोर्ट इसका बिल्ड हुआ है, यानी कि पहला सपोर्ट ये हो जाएगा 135 का। देन 12,080 इज अनदर सपोर्ट, और फिर उसके बाद नीचे जाते जाएंगे तो हमारा 12,030 का सपोर्ट बना रहेगा, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट है। ऊपर की बात करेंगे हम लोग तो ऊपर में हमारे पास 12,180 का रेजिस्टेंस, जो कि ऑलरेडी आप लोगों के पास है। इसके भी ऊपर का अगर रेजिस्टेंस नेक्स्ट लेवल में देखेंगे हम लोग तो नो डाउट 12,200 एक बार आने दीजिए, अगर कल क्रॉस हो जाता है बहुत ही अच्छी बात होगी। एंड देन अगेन वी विल बी हैविंग 12,250। दिस इज स्ट्रेट डेटा गाइज, आई मीन ओआई डेटा के बेसिस पे ही हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस अपडेट करेंगे। तो फिलहाल तो मैं 2,1250 तक का ही ले रहा हूँ, बट एक्सपेक्टेशन अभी भी जो लगी हुई है वो लगी हुई है देखिए 12,300, 12,400 की। और इस पे भी अगर आप लोग देखोगे वीकली डेटा, अगर आप डेली वीडियो को देखते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, कल के वीडियो में जाइएगा आपको दिखेगा ये वीकली रेंज मैंने शेयर की थी। तो वीकली रेंज में देखिए मेरा पहला टारगेट आ गया है, तो निफ्टी में फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी हमें मिल गया है ऊपर के साइड में। अब नेक्स्ट टारगेट की बात करते हैं 12,300, तो देखते हैं अभी ऑलमोस्ट 10 टू 12 हमारे पास ट्रेडिंग डेज रहेंगे, उनमें लेवल आता है कि नहीं।
अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी देखिए आज एक उतनी तेज मूवमेंट तो नहीं थी, उतना एक फास्ट मूवमेंट नहीं था बैंक निफ्टी में, बट अगेन ये अपने एक बिल्कुल रेजिस्टेंस पर ही देखिए इसकी क्लोजिंग आई है। तो अब यहां से क्या करेगा, रिवर्स करेगा कि ब्रेकआउट दे सकता है, ऑलरेडी डबल बॉटम बन चुका है ये, अगर एक बार क्रॉस हो जाता है ऊपर का लेवल यानी 32,170 ऑलमोस्ट क्रॉस कर लेता है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, देन वी कैन सी 32,400 के लेवल हमें मिल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की अगर अभी हम बात करेंगे, देखिए ये 32,150 वाला भी रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हो चुका है, अब जस्ट इसी के ऊपर क्लोजिंग है, 32,152 की क्लोजिंग है हमारे पास, ठीक है। तो अब दोस्तों जो हमारे पास रेजिस्टेंस बना रहेगा 32,200 का, एंड देन इसको 400 कर लीजिए बैंक निफ्टी में भी दोस्तों हमारे पास स्ट्रेट रेजिस्टेंस रहेंगे, आई मीन स्ट्रेट डेटा रहेगा, कहीं भी हमें ये देखने की जरूरत नहीं है चार्ट वाइज, क्योंकि डेफिनेटली आगे के जो रेजिस्टेंस है वो ओआई पर ही मिलेगा, आपको चार्ट पे नहीं मिलेगा। सपोर्ट की हाँ अगर हम लोग बात करें तो वो जरूर हम लोगों से हो सकता है क्योंकि हमारे पास डेटा है उसका। तो देखिए एक सपोर्ट जो हमारा बन रहा है 31,970 के आसपास में बन रहा है, यानी कि ये वाला पहला सपोर्ट, और उसके पहले की भी बात करें अगर ये जो आज की कैंडल बनी हुई है, एक काम कीजिए इसको आवरली बेसिस पे लाइए तो आप लोगों को एक और सपोर्ट यहाँ से मिल सकता है जो कि ऑलमोस्ट आप देखोगे 32,140 के आसपास में बना हुआ है, 32,140 यानी कि एक सपोर्ट आपको और मिला, दैट इज 32,140। अगर इसके वीक की बात करेंगे हम लोग, आई मीन नॉट ओनली वॉल्यूम्स, तो 132 के आसपास में, 130 के आसपास में इसका डाउन लगा हुआ है, बट वी विल टेक सपोर्ट एज 140। इसे और अगर आपको रिफाइन करना है थोड़ा तो 130 रख लीजिए सेफ चलने के लिए। तो फर्स्ट सपोर्ट विल बी 32,130, एंड देन अगेन नेक्स्ट सपोर्ट्स विल बी ऑलरेडी यू गाइज नो, ये हमारे नेक्स्ट सपोर्ट रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ रेजिस्टेंस की जरूर बात करें तो रेजिस्टेंस पे हमारा डेटा के वाइज पे चलना है दोस्तों, ओआई डेटा के हिसाब से, तो वो देखेंगे कल के लेवल पे बस बट मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं देखिए एक लेवल जो है, इसको अगर आप यहाँ से अगर आप इसको डेली चार्ट पे ले जाइए, डेली चार्ट पे ले जाने के बाद देखिए क्या है, अगर आपका कल पहला सपोर्ट यानी कि बैंक निफ्टी में 32,130 या 32,100 ब्रेक कर दे, ठीक है, लगातार इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करे, देन यू कैन प्ले फॉर 100 पॉइंट्स। डेफिनेटली आप 31,970 तक के लिए फिर या फिर 50 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट मूवमेंट आपको मिल सकता है इसके नीचे, तो इस पे ध्यान रखिए। अगर ये भी ब्रेक हो जाए तो नो डाउट थर्ड सपोर्ट वी कैन सी थर्ड सपोर्ट, दैट इज 31,770। ऊपर की दोस्तों बात करेंगे तो अभी 32,200 को क्रॉस होने दीजिए, ऑलरेडी आज उसका हाई लगा था 32,211 के पास में, उसके बाद में इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे चला आया। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा होगा इसके बाद में होगा 32,300 का, एक बार देखते हैं कल ये लेवल अचीव होता है कि नहीं, तो इस पे जरूर नजर बना के रखिएगा, एक रिवर्सल की संभावना जरूर देखिएगा यहाँ पर। अब चलिए स्टॉक्स पे चलते हैं, तो पहला स्टॉक्स हमारा एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक ने कल के लेवल से एक हाई बनाया है आज, और हाई बनाने के बाद में भी इसका अगर आप देखोगे एक रेजिस्टेंस जो था 1270 वाला रेजिस्टेंस, उसी पे आकर के इसने क्लोज किया है। एचडीएफसी बैंक में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोला था कि एचडीएफसी बैंक अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वी कैन सी 1270, यानी कल के वीडियो में आप चेक करोगे मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था 1270 का लेवल आ सकता है। अब दोस्तों यहां से अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर चलता है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल होगा 1280, यानी 1280 एंड 1283 के लेवल यहां से अचीव हो सकते हैं, तो इस पे नजर बना के रखिएगा। एक्सिस बैंक की बात करें, ऑलरेडी आप लोगों से मैंने शेयर किया था कि 745 के नीचे इसको सेल कर देना, तो 745 के नीचे ज्यादा तो नीचे नहीं गया, 742 तक गया, बट अगर आप देखोगे सस्टेन भी नहीं किया है, ठीक है, ऑलरेडी इसकी जो क्लोजिंग है इसके सपोर्ट के पास में है। अब कल देखना रहेगा, अगर कल ये 745 के नीचे लगातार ट्रेड करे 1 आवर तक, तो कहीं ना कहीं आप 734 तक के लेवल देख सकते हो, अगर यहीं से रिवर्स ले लेगा तो नो डाउट यू कैन सी 755 एंड 758 तक के लेवल इसमें आ सकते हैं।
एनआईटी टेक की अगर बात करें तो एनआईटी टेक ने दोस्तों आज एक शानदार मूव दिया है। ऑलमोस्ट देखिए इसकी जो आज का इनिशियल था यानी कि 1492 1492 से 1640 तक का इसने एक हाई लगाया हुआ है, और इसकी जो क्लोजिंग भी आई है वो कहाँ आई है, 1604 पे आई है। इसके अलावा एक चीज अगर आप और देखोगे, ये जो लास्ट इसका हाई था इस हाई के ऊपर इसने क्लोज किया है, तो कहीं ना कहीं एनआईआईटी टेक में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फिर से 1610 से लेकर के 1640 के बीच में, यानी 30 पॉइंट्स। इसमें करना कुछ नहीं दोस्तों, अगर कल एनआईटी टेक ओपन होता है, ओपन होने के बाद में ये अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है यानी 1610 के ऊपर सस्टेन करता है, तो कहीं ना कहीं आपको 1640 ये फिर से दिखा देगा। अगर आपने पोजीशन इसमें ले ली और एग्जिट करने की कहीं से आपको अगर उम्मीद लगे, यानी कि आपको लगे कि नहीं ट्रेड नीचे जा सकता है, तो फिर आपको जो एग्जिट पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा ऑलमोस्ट ये जो 2 आवरली कैंडल आप देख रहे हो, यानी कि ऑलमोस्ट 1600 के नीचे आप इस पर एग्जिट कर सकते हो। हिंदुस्तान लीवर की बात करें, कल भी मैंने बोला था कि हिंदुस्तान लीवर कहीं ना कहीं हम लोगों को नीचे के लेवल दिखा सकता है, तो उसमें हमारा देखिए एक पहला टारगेट बना हुआ था 1960 का, वो अचीव हो गया, उसके नीचे ऑलमोस्ट 1953 तक ही आया है। अभी इस पे हम लोग फिर से नजर रखे रहेंगे क्योंकि एक रिवर्सल देखिए जो इसका है वो है 1940 के पास में, तो अगर एक बार ये 1940 के आसपास आता दिख जाए, वहां से फिर ये रिवर्स करता दिख जाए, तो इस पे हम लोग ऊपर की तरफ पोजिशन ले लेंगे, और अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग दे दे तो फिर हम लोग इसको और नीचे शॉर्ट कर देंगे, ऑलमोस्ट 1822 1830 तक के लेवल मिल सकते हैं, बट उसके लिए ये वाला लेवल इसके नीचे क्लोजिंग आनी जरूरी है, यानी कि 1935 के नीचे इसको क्लोज करना बहुत जरूरी रहेगा। ग्रासिम की बात करें दोस्तों, ग्रासिम में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है ऊपर की तरफ के लेवल की, यानी कि टुमारो वी माइट सी और मे बी विद इन 2 डेज, आई मीन कल और परसों 2 दिन में हम लोगों को ये 780 तक के लेवल दिखा सकता है। इसकी क्लोजिंग है 769, अगर ये कल 770 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप कहीं ना कहीं 770 के ऊपर इस पे ट्रेड ले सकते हो, और उसके बाद में आप इसको 787 75 और 780 तक के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। एग्जिट पॉइंट की अगर बात करें तो अगर ये जो आज का लो है यानी कि 764 के नीचे ये चला आए, इफ ग्रासिम सस्टेन्स सॉरी इफ ग्रासिम सस्टेन्स बिलो 765 यू कैन अगेन शॉर्ट इट फॉर 760 के लेवल तक, यानी 760 तक के लेवल के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसमें बुलिश रहूंगा, 780 तक के लेवल मुझे इसमें देखने हैं। पावर ग्रिड की दोस्तों बात करेंगे तो देखिए ये स्टॉक भी मेरी नजर में इसलिए है क्योंकि अपने रेजिस्टेंस के पास में इसकी क्लोजिंग आई है, यानी रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा है। अगर कल ये 188 के ऊपर सस्टेन कर जाए देन प्रोबेबली हम लोग 190 और 192 तक के लेवल इसमें इजिली देख सकते हैं, तो इस पे नजर बना के चलिएगा। फिर बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ की, तो कल के वीडियो में भी एचडीएफसी लाइफ स्टॉक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने बोला था कि ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ सकता है, जो कि इसका रेजिस्टेंस था 598 और 600 वाला इसका रेजिस्टेंस था। कल के वीडियो में चेक कीजिएगा, क्लियरली मैंने बोला था, तो आज हमें वो लेवल इसके मिले और इसकी क्लोजिंग हुई है 595 के आसपास में, नो 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 इसकी क्लोजिंग 599 की क्लोजिंग है। तो अब दोस्तों ये जो लेवल है ये बहुत क्रुशियल लेवल बन गया है, अगर एक बार यहां से देखिए क्रॉस कर जाए यानी इसके ऊपर सस्टेन कर जाए 600 के ऊपर, देन यू कैन इजिली गो फॉर 610 605 और 610 के लेवल के लिए जा सकते हो इस पे। नेक्स्ट आएगा हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट में अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे इसका एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस पहले भी था, फिर बाद में ऑलमोस्ट 1 वीक बैक इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर रिवर्स किया था, और फाइनली अगेन महिंद्रा एंड महिंद्रा 505 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 505 पे इसका एक फिर से सपोर्ट जोन पे आ गया है। अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ देन वी कैन सी 500
एंड 500 के अलावा यहाँ पर 490 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो रिवर्सल के केस में फिर से आपको 510 एंड 515 तक के लेवल इजीली दिखा देगा महिंद्रा है महिंद्रा, तो इस पर नज़र बना के रखिएगा। इंडिगो की चलिए बात करते हैं, इंडिगो में एक बुलिशनेस नज़र आ रही है, बट कल अगर देखिए आज का इंडिगो का जो क्लोजिंग है 1312 का यानी 1312 का, अगर 1315 के ऊपर यानी हाई जो इसका है ऑलमोस्ट उसके ऊपर कल ये ट्रेड करने लगे तो कहीं ना कहीं आपको 1325 यानी 1325 एंड 1330 के लेवल मिल सकते हैं, और उसके नेक्स्ट वाले लेवल की बात करेंगे 1330 इज वन रेजिस्टेंस आल्सो इंडिगो के लिए, 1330 एक रेजिस्टेंस भी। अगर 1330 क्लोज हो जाता है क्रॉस हो जाता है तो फिर आपको 1350 तक के लेवल इसमें मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं एक रिवर्सल का सिग्नल मिल गया इंडिगो में, तो इस पर नज़र बना के रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं भारत फोर्ज स्टॉक की। इस पे दोस्तों आज सुबह से ही मेरी नज़र लगी हुई थी, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं देख रहा था कि इसका जो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है ब्रेक होता है कि नहीं, और देखिए ये इसका रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को कितना ब्यूटीफुली इसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रांग कैंडल बनी हुई है, और ये कैंडल भी देखिए कहाँ पर क्लोज हुई, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यानी कि ये जो एरिया है 7490 का, इसका एक रेजिस्टेंस वाला एरिया यहीं पर इसने क्लोजिंग दी है। कल अगर 490 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो हम लोगों को इजिली 500 तक के लेवल दिखा देगा, तो इस पर नज़र लगा के रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं जिंदल स्टील की। जिंदल स्टील में दोस्तों टेलीग्राम पे भी मैंने बोला था कि कल देखिए कल की कैंडल जो थी 136 का इसका सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद में इसने कल रिवर्सल जो क्लोजिंग थी सपोर्ट के ऊपर थी, तो कहीं ना कहीं आज एक चांस बना हुआ था कि ऊपर जा सकता है, रिवर्स ले सकता है, और जैसे ही इसने आज 140 क्रॉस किया तुरंत उस पर मैं समझ गया कि यहाँ से हम लोगों को एक अच्छा मूव मिलेगा। 138 का मेरा टारगेट था कि 138 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा अगर, तो 140 हमें मिल जाएगा, तो 140 भी मिला और उसके साथ में 145 146 तक के लेवल इस पे आ गए हैं। अब नेक्स्ट अगर लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए इस पे इसके चांस जो रहेंगे 148 और 150 के रहेंगे। एक बार अगर 150 ये देखिए अगर ये 150 को क्रॉस कर जाता है तभी बुलिश लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज 150 के पास में यहां से फिर से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे टाटा स्टील की। तो दोस्तों फिर से ये मेटल सेक्टर का स्टॉक है, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि मेटल सेक्टर पे नजर रखिएगा, बुलिश लग रहा है इस समय क्योंकि यूएस और चाइना की जो ट्रेड डील थी उसके बाद अगर कोई सेक्टर जो सबसे ज्यादा फायदा लेने वाला था वो था मेटल सेक्टर, तो इस पे भी देखिए अभी थोड़ा बना हुआ है चांस 445 का। अगर कल टाटा स्टील 445 का लेवल ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमारे टारगेट 450 और 460 के रहेंगे इस पे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा एचसीएल टेक का। तो दोस्तों एचसीएल टेक में भी लगातार 3 दिन से हमें एक देखिए बुलिश हरामी कैंडल बनी हुई थी, बुलिश हरामी के बाद में 3 दिन लगातार मूव दिखाए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल रहेंगे वो 563 तक का लेवल हमें देखना है इसमें, तो ऑलमोस्ट 558 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। कल 563 तक ये जा सकता है, 563 अगर ब्रेक कर देता है तो 568 तक के लेवल मिल सकते हैं। इन्फोसिस पे आते हैं दोस्तों। इन्फोसिस को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल रखा था इवन व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम चैनल पे भी, किसका जो एक रेजिस्टेंस एरिया है वो है 723 का। 723 जैसे ही ब्रेक हुआ आज देखिए हम लोगों को 730 का लेवल मिल गया। टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था कि इन्फोसिस में हमें 730 का लेवल आज मिल सकता है और वो हमें मिला। अब दोस्तों 730 के बाद इसकी जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो होंगे 740 के, तो कल देखते हैं इस पे मूवमेंट मिलता है कि नहीं, बट आई एम 60% बुलिश ऑन इन्फोसिस, कहीं ना कहीं हमें 740 भी ये कल दिखा सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, लेवल पसंद आते हो स्टॉक के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि डेली मैं आपको स्टॉक से रिलेटेड और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का अपडेट देता रहता हूँ। और अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है तो टेलीग्राम में जाइए, एनआरजे फाइनेंस सर्च कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डे ट्रेडिंग में यानी कि डेली ट्रेडिंग सेशन के टाइम पर भी जो अपडेट होता है मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं नई एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।